अब आपको इस संकट से निपटने का कोई कारण आपको दिखाई पड़ रहा, कोई रास्ता दिखाई पड़ रहा वहां पर? क्या आपको लगता है रानिल विक्रम सिंघे जो प्रधानमंत्री है वो इस संकट से का कोई रास्ता निकाल सकते हैं? हालांकि खुद उन्होंने भी कहा कि वो भी इस्तीफा देने के लिए तैयार है। नहीं नहीं रनिल एक बहुत राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत कमजोर प्रधानमंत्री है। उनकी पार्टी की कोई सीट नहीं है पार्लियामेंट में सिवाय उनकी सीट के, और उनकी सीट भी नॉमिनेटेड, वो परसेंटेज के हिसाब से वहां होता है, प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन है, उस वजह से उनको वो सीट मिली, वरना उनकी यूएनपी टूट गई और दूसरा यूएनपी का जो थड़ा था वो ज्यादा उनके पास सीटें हैं, रनिल के पास कोई सीटें नहीं है। तो रनिल का पॉलिटिकल वेट नहीं है, लेकिन उनका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है, वो प्रधानमंत्री रह चुके हैं, और इसीलिए क्यों, और आपस में लोगों की जो दूसरी पार्टियां हैं उनमें रस्साकसी थी, इसीलिए इनको बनाया गया, क्योंकि ये तो अकेले हैं, इस वजह से उनको लाया गया। और शुरू से ही मैं समझता हूँ उनको आगे नहीं आना चाहिए था, और ये देखना चाहिए था कि किस तरह का रुख होता है जहाँ राजपक्षे परिवार का सवाल है। अब वो परिवार जा रहा है, और पिछले 3 महीने से रनिल प्रधानमंत्री है, लेकिन हालत में सुधार नहीं हुआ, न तो राजनीतिक हालत में सुधार हुआ और न आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। IMF से बातचीत शुरू हुई है, भारत ने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करके सपोर्ट किया है, और रनिल श्रीलंका की राजनीति में भारत के चहेते माने जाते हैं, और इसीलिए उनका इंटरनल पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं है, रनिल को एक्सटर्नल सपोर्ट है, भारत का भी है और अमेरिका का भी है कुछ हद तक, लेकिन इंटरनल पॉलिटिकल सपोर्ट उनके पास नहीं है, और इसलिए मैं नहीं समझता हूँ कि रनिल इस प्रॉब्लम को हल कर सकेंगे। हालांकि अभी भी वो बैठे जुड़े हुए हैं, और उम्मीद है, बहुत लोग ये आशा भी लगा रहे हैं कि उनको इंटरिम प्रेसिडेंट बना दिया जाए, लेकिन मैं तो अपनी फिंगर्स क्रॉस रखता हूँ उसके ऊपर। फिर क्या होगा वहां पे? देखिए, उसका सीधा एक रास्ता ये है कि वहां इंटरिम जो अब जो बात अटकी हुई है वहां पर, एक कॉन्स्टिट्यूशनल छोटा सा पॉइंट है उसको लेके अटकी हुई है कि गोटाबाया अस्तीफा दे तो इंटरिम राष्ट्रपति बने। मेरा ये मानना है कि जो आदमी राष्ट्रपति भवन छोड़ के भाग गया, जिसने अपना सामान नेवी की शिप में लादना शुरू कर दिया, और जिसने स्पेशल एयरपोर्ट पे ये अरेंजमेंट किए कि वो हवाई जहाज में कहीं उनको उड़ना है तो उड़ जाए, तो वो तो प्रेसिडेंट हैज अबैंडन्ड द कंट्री। और ऐसे हालात में उसके इस्तीफे का वेट करने से क्या माने? तो पार्लियामेंट को बैठ के, पार्लियामेंट को बुलाने की बात प्रधानमंत्री ने की है, कैबिनेट की मीटिंगें भी हुई है आज, और उसमें दोनों में सभी पार्लियामेंटेरियंस ने और जो गोटाबाया की पार्टी है उन्होंने ये कहा है कि गोटाबाया भी जाए और रनिल भी जाए। तो एक नया इंटरिम प्रेसिडेंट अगर बने और उसके साथ साथ इलेक्शन डेट्स फिक्स हो जाए, 1 महीने में, 3 सप्ताह में, 2 महीने में, जो भी संभव हो कि नया राष्ट्रपति का चुनाव होगा, आसान नहीं है क्योंकि स्थिति बहुत बिखरी हुई है वहां पर, तो एक राजनीतिक मैसेज साफ जाएगा कि नई श्रीलंका की सरकार में राजपक्षे परिवार नहीं रहेगा, तो उससे ये जो प्रोटेस्ट वगैरह हैं ये शांत हो जाए और नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटी। देखिए, एक माने में लोग कह रहे हैं कि श्रीलंका की डेमोक्रेसी चरमरा गई है, और मैं देखता हूं कि श्रीलंका की डेमोक्रेसी चरमरा नहीं गई है, चरम पे है, क्योंकि लोग हैं जिन्होंने कहा है कि जाओ यहां से, ये अरब स्प्रिंग की तरह है कि लोग उठ गए वहां से। तो मैं मानता हूं मेरे हिसाब से कि इंटरिम अरेंजमेंट कुछ होना जल्दी से जल्दी जरूरी है, इलेक्शन डेट को फिक्स करना जरूरी है, वरना मेरा डर है, और वो डर ईश्वर करे गलत ही निकलेगा, कि कहीं फौज आके कंट्रोल ना, आपको लगता है कि फौजी शासन हो सकता है वहां पे? अगर ये बात, अगर कोई ऑल्टरनेट नहीं निकलेगा और आने वाले 2-4-5 दिन तक यही एनार्की बनी रहेगी तो और क्या होगा? सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।